रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 28 सालों से उल्टा चल रहा है यह युवक, जानिए क्यों नई दिल्ली। दुनिया में कुछ लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि उन पर यकीन करना असंभव हो जाता है। कुछ लोग जन्म से ही ऐसी कला के मालिक होते हैं और कुछ लोग का पागलपन उनसे उलझुलूल हरकतें करवाता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो कभी भी आगे की तरफ नहीं चलता है। आइए जानते हैं इस अनोखे इंसान के बारे में जो सबसे अलग है। दरअसल ये अनोखा मामला तमिलनाडु का है। यहाँ पर रहने वाले मणि मणिथन ये कारनामा पिछले 28 साल से करते चले आ रहे हैं। इसको इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया गया है। क्या आप जानते हैं क्या इनके उड़के चलने का कारण? तो आइए जानते हैं। विरोध में शुरू किया था ये काम। आपको बता दें कि मणि मणिथन ने 1988 में हो रही आतंकवादी गतिविधियों से तंग आकर विश्व शांति के लिए यह तरीका अपनाया था। उन्होंने विरोध जताने का और आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करने का एक अनोखा ही कदम उठाया। तब से लेकर आज तक वो ऐसा करते आ रहे हैं। 300 किलोमीटर का किया था सफर। आतंकवादियों के विरोध में इन्होंने ऐसा करने का फैसला लिया था। इन्होंने इसके लिए तिरुपुर से चलना शुरू किया था और ऐसे ही उल्टे चलते हुए चेन्नई तक आए थे। उसके बाद से ही सुर्खियों में आए थे। कठिन थी वो यात्रा। मणि बताते हैं कि वो सफर 300 किमी का जब उन्होंने तय किया था तो वो एक बहुत ही कठिन समय था और वो ये बात जानते हैं कि वो सफर आसान सफर नहीं था। इसके बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय हो रही गतिविधियों से वो इतना दुखी हुए थे कि उन्होंने ये कदम उठाया था। ऐसा करके उनको काफी अच्छा लगा और उनको इस बात की खुशी भी है। तब से आज तक चलते हैं उल्टा। 1988 में शुरू हुआ मणि का ये उल्टा चलने वाला सफर आज भी चल रहा है। वो बताते हैं कि वो विरोध में किया गया काम था जो अब आदत बन चुका है। ऐसा करने में ही उनको आसानी होती है। वो अब सीधे नहीं चल पाते हैं। हर काम ऐसे ही करते हैं। मणि को ये आदत ऐसे लग चुकी है कि वो अब हर काम ही उल्टा करते हैं। वो हमेशा बस में उल्टा चढ़ते हैं, सीढ़ियां भी हमेशा उल्टा ही चढ़ते हैं।